लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। शारदीय नवरात्रि षष्ठी तिथि को पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से माता जगदम्बे को निमंत्रण दिया गया। इस बेल निमंत्रण के दौरान श्रद्धालु बाजे गाजे की धुनों पर थिरकते रहे तथा माता की जयकारों से वातावरण गुंजित कर रहे थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी तिथि को पूरे श्रद्धा भाव से माता को बेल निमंत्रण दिया जाता है तथा सप्तमी तिथि को माता के स्वरूप प्रतीक बेल को डोली पर लाकर पूजा मंडपों में विधि विधान से स्थापित किया जाता है। तदुपरांत दर्शन के लिए माता के पट खोल दिए जाते हैं। मझौलिया गाँव में आयोजित पूजा समारोह में अजय कुमार सिंह, मुकेश कुमार चौरसिया, वार्ड सदस्य मंजू देवी, समाज सेवी मनीष कुमार, मनोज कुमार, संजीव कुमार, राजेश कुमार, वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में बेल निमंत्रण यात्रा निकाली गई, जो जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित दुर्गा पूजा समारोह में सचिव अनिल कुमार सिंह, उप सचिव गोलू श्रीवास्तव, मंजी श्रीवास्तव, विक्की सिंह आदि लोग सम्मिलित रहे और नेतृत्व में माता को बेल निमंत्रण दिया गया। इस दौरान निकली डोली यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए तथा भक्ति धुनों पर माता के जयकारे लगाते हुए थिरकते दिखे। वहीं लाल सरैया, राजाभार, सिनवरिया, रुलही आदि पंचायतों में आयोजित दुर्गा पूजा को लेकर हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से बेल निमंत्रण के लिए डोली यात्रा निकाली गयी। मझौलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। निमंत्रण के लिए बेल निमंत्रण के लिए हम लोग जा रहे हैं। आज माता को निमंत्रण दिया जाएगा। कल सुबह माता को हम लोग डोली में बैठाकर अपने मंदिर पर लाएंगे। ये हर एक साल की भांति हम लोग इसी तरह पूजा करते हैं। षष्ठी को जाते हैं और सप्तमी को माता का आह्वान करके लेके आते हैं। आज लोग हम बेल निमंत्रण में जा रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेल निमंत्रण? यहाँ से लेकर के हम लोग गाँव के समीप में कोल्ली है, वहाँ पर जहाँ बेल निमंत्रण होता है, रघु राम जी के दरवाजे पर बेल निमंत्रण होता है और वहाँ से माता के मंदिर तक आता है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह नाम है मेरा।